हेलो दोस्त, कहानी की शुरुआत होती है जब किंग और वैंडल जंग जीत कर अपने राज्य राव से लौटता है और अपने परिवार और अपने लोगों से मिलता है। जंग में घायल होने की वजह से वो आमलेथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए रात में मंदिर लेकर जाता है। अगली सुबह मंदिर से लौटते वक्त और वैंडल पर हमला होता है और आमलेथ वहां से भागकर छुप जाता है। वो देखता है कि उसके बाबा को मारने वाला, उसके राज्य में कत्लेआम मचाने वाला और उसके माँ को जबरदस्ती कैद में लेने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका चाचा फ्योनीर है। वो अपने चाचा और उसके साथियों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और अपने चाचा से बदला लेने का कसम खाता है। कुछ वाइकिंग लड़ाके एक गांव पर हमला कर उस पर कब्जा कर लेते हैं, कमजोर औरतें और बच्चों को जलाकर मार देते हैं। रात में एक सियरेस एक वाइकिंग योद्धा को उसके पास्ट के बारे में याद दिलाती है। वो वाइकिंग योद्धा और कोई नहीं बल्कि प्रिंस आमलेथ होता है। अगली सुबह उसको उसके चाचा के बारे में पता चलता है और वो अपना भेष बदल कर स्लेव बने लोगों के बीच छुप कर आइसलैंड तक का सफर शुरू करता है। सफर के दौरान उसका मुलाकात उल्गा नाम के एक सॉर्सरेस से होता है। अगली सुबह वो सब आइसलैंड पहुंचते हैं और उन सबको फियोनीर के स्टेट में लाया जाता है। सारे स्लेव्स स्टेट में काम करते हैं और आमलेथ अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है। रात में उसे एक विच से एक नायाब तलवार और उस तक पहुंचने के रास्ते के बारे में पता चलता है। चुनौतियों का सामना कर रातों रात वो उस तलवार को हासिल कर लेता है और वापस आकर उसे छुपा देता है। अगले दिन खेल के दौरान वो अपने हाफ ब्रदर गुनार का जान बचाता है और इनाम के तौर पर स्टेट में उसका काम कम कर दिया जाता है। रात में वो थोरिर के दोस्तों को और मंदिर के एक आदमी को मार देता है। अगली रात उल्गा खाने में नशीले मशरूम मिला देती है और वो खाना खाने के कुछ देर बाद लोग नशे में खुद को मारने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर आमलेथ अपनी माँ को छुड़ाने जाता है मगर अपने माँ से बात करके उसे पता चलता है कि उसके बाबा को मारने में उसके चाचा के साथ उसकी माँ भी शामिल थी और उसे मारने का भी उसकी मां ने ही दिया था। हैरान आमलेथ वहां से चला जाता है और गुस्से में थोरिर का कत्ल कर देता है और जाकर पहाड़ों में छुप जाता है। अगली सुबह उल्गा को मारते वक्त आमलेथ उन पर हमला कर देता है। मौका पाकर उल्गा वहां से भाग जाती है मगर वो पकड़ा जाता है। फियोनीर उसको टॉर्चर करता है। रात में थोरिर के दाह संस्कार के मौके पर उल्गा उसको लेकर भाग निकलती है। वो उल्गा के साथ बाकी की जिंदगी सुकून से बिताने के लिए अपने बदले की भावना को छोड़ ऑर्कनी जाने के लिए जहाज पकड़ता है। वहां उसे पता चलता है कि उल्गा उसके बच्चों की मां बनने वाली है। अपने बच्चों के भविष्य को फियोनीर के पंजों से आजाद रखने के लिए उल्गा को पीछे छोड़ जहाज से कूदकर वापस आता है। रात में आमलेथ फियोनीर के स्टेट पर हमला कर देता है और वहां के स्लेव्स को आजाद कर देता है, अपनी माँ और गुनार को मार देता है और फियोनीर से लड़ने गेट ऑफ हेल जाता है। वहां उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होता है और दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं और हमारा अफसाना यहीं पर ख़त्म होता है।